हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से मिथुन दादा की मच अवेटेड बंगाली लैंग्वेज फिल्म काबुलीवाला को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में बनी हुई है अपने दूसरे वीकेंड्स में भी। बात करूं मैं फिल्म को लेकर तो आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए 13 दिन पूरे हो चले हैं। बहुत जल्दी ये फिल्म 2 वीक भी कंप्लीट कर रही होगी और इस फिल्म का क्रेज़ अभी भी काफ़ी बना हुआ है। ऑडियंस की डिमांड है कि इस फिल्म को एटलीस्ट अदर लैंग्वेजेस में भी नहीं तो एटलीस्ट हिंदी में रिलीज़ किया जाए, ताकि उनके फैंस इस फिल्म को हिंदी में एंजॉय कर सके। क्योंकि आपको भी पता है मिथुन चक्रवर्ती की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा हिंदी में है, जी हाँ, नॉर्थ इंडिया में है। अगर ऐसे मैं बात करूँ फिल्म को लेकर, काबुलीवाला जो कि एक लो बजट फिल्म है जिसका बजट सिर्फ 5 करोड़ है और इस फिल्म का अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन 7 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ओवरऑल ये फिल्म लगभग से लगभग अप्रॉक्सीमेट 8 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस करने वाली है। जी हाँ, 8 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने वाली है जहाँ पर इसका बजट सिर्फ 5 करोड़ है और इस फिल्म ने 13 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक कर लिया है। और अगर बात करूँ मैं फिल्म के आज के ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन की, तो उसको रिस्पांस अभी भी ठीक ठाक मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस फिल्म के पास लिमिटेड स्क्रीन्स बची हुई है बंगाल में, जहाँ पर ये फिल्म आज भी 15 लाख की रेंज में कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और फिल्म का अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन हो चुका है इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 6 करोड़ 65 लाख की रेंज में। ऐसे में आप लोगों ने काबुलीवाला देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। और आपके हिसाब से फिल्म हिट रही या फ्लॉप बताना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।